पिछले माह की बात है, गुड़गांव। गुड़गांव जो कि हरियाणा प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर उच्च संभ्रांत परिवार के व्यक्ति रहते हैं, विभिन्न कंपनियाँ के MD और बड़े से बड़े कर्मचारी उद्योगपति, जिनकी 25-25 मंजिलों की बिल्डिंगें बनी हैं, शीशों जैसी चमचमाती उनकी बिल्डिंगें हैं बनी हैं गुड़गांव में, और चमाचम सड़कें हैं। अभी एक महीने पहले की घटना है, यहाँ पर ग्रामीण बस्ती, यहाँ से थोड़ी दूर एक ग्रामीण बस्ती है, तो वहाँ पर आग लगी जिससे 1000 मजदूर बेघर हो गए। उनके घरों में आग लग गई, मजदूर बेघर हो गए। उनके घर में रखा हुआ राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रुपए पैसे, अनाज, बर्तन सब नष्ट हो गया, क्योंकि उनकी गृहस्थी एक झाड़ के अंदर थी, उसमें जो है एक झोपड़ी नुमा मकान में रहते थे। इसलिए साहब को गुड़गांव के आस पास के इलाके में मजदूरों की दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, जब इन पर आग लगी, इन मजदूरों की बस्ती में आग लगी, सब बेघर हो गए। जब मुआवजे की मांग की गई तो इनसे कहा गया कि राशन कार्ड कर लाइए, आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए। इनके पास कुछ भी नहीं है, पता है कैसे लाए, सब तो उनका नष्ट हो गया। तो ये बहुत ही बेहाल है। इस तरह से प्रतीत होता है कि सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रही है, गरीब मजदूर जो इनको आगे बढ़ाते हैं, हमेशा इनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, और इनके लिए पूरा पूरा तन मन धन से बच्चे परिवार सब अपना योगदान देते हैं, उनके लिए सरकार एक पक्की छत नहीं बनवा पा रही। जबकि जो धनाढ़ लोग हैं, इनके लिए 5000 गज, 1000 गज, 6000 गज की आराम से इनको फ्लैट बनाने के लिए ज़मीन आसान किस्तों में मिल जाता है, आसान किस्तों में। एक गरीब मजदूर जो वहाँ पर उनका काम करता है, उनके लिए 20 फीट की जगह भी सरकार नहीं दे पाती कि हम अपना निवास स्थान बनवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी समझ सकते हैं कि ये सरकार गरीबों के कितना विरोधी है और उद्योगपतियों के कितने समर्थन करती है, इसी से प्रतीत होता है। साथियों, आपको ये जानकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि सकल घरेलू उत्पाद भारतवर्ष में जितना योगदान ये गरीब व्यक्ति देता है, इनके जो है सकल घरेलू उत्पादन, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र हो, चाहे इनका श्रम शक्ति हो, इतना योगदान देता है, लेकिन इनकी योजनाएं मिल नहीं पाती, इनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि मजदूरों का उत्थान होगा तभी देश का उत्थान होगा, ऐसा मेरा कहना है। लिहाजा जो देश विदेश में अपने देश को चमकाने की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को समझे, गरीब मजदूर इनका उत्थान हो, इनकी समस्त योजनाएं बगैर किसी आईडी जो उनके जो है जल गई हैं या नष्ट हो गई हैं, उनको लाभ दिलाया जाए, ऐसे मेरा उनसे निवेदन है। धन्यवाद।